नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर को महाराष्ट्र में एक बड़ा झटके लगने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र आवासीय व क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने गावस्कर को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र आवासीय प्राधिकरण ने बांद्रा में गावस्कर के 21,348 स्क्वायर फुट के प्लॉट की लीज वापस लेने की तैयारी कर ली है। सुनील गावस्कर क्रिकेट फाउंडेशन ट्रस्ट को ये प्लॉट 31 साल पहले इंडोर क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलिंद महास्कर ने बताया कि अथॉरिटी ने इस आवंटन को रद्द करने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया है। मिलिंद के मुताबिक अकेडमी के लिए जमीन का आवंटन 31 साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। हमने इसे वापस लेने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा में रंगशारदा ऑडिटोरियम के पास क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए सुनील गावस्कर क्रिकेट फाउंडेशन ट्रस्ट को जमीन लीज पर दी थी। आवंटन को लेकर नियम व शर्तें साल 1999, 2002 और 2007 में संशोधित की गई, लेकिन फाउंडेशन ने किसी भी तरह का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है, जिसके बाद अब अथॉरिटी ने इस जमीन को वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को ही सुनील गावस्कर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मातोश्री पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद गावस्कर और सचिन की सुरक्षा भी वापस ले ली गई और उसके बाद गावस्कर को ये दूसरा झटका लगने वाला है। वैसे गावस्कर और ठाकरे की मुलाकात किस मसले पर हुई थी ये तो साफ नहीं हो पाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अक्सर राजनीति से दूर रहने वाले दोनों खिलाड़ी जब उद्धव ठाकरे से मिले होंगे तब इन सब बातों के बारे में उन्हें जरूर बताया होगा। तो वहीं मुंबई क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार ने इस बैठक का हवाला देते हुए 27 दिसंबर को उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा था, मैं आपको जमीन के आवंटन और सुनील गावस्कर की हाल में आपसे हुई मुलाकात के बारे में पत्र लिख रहा हूं। जमीन का आवंटन किए जाने के बाद से सुनील गावस्कर ने कई बार नियम व शर्तों में छूट की मांग की, जिसे समय समय पर मंजूर भी किया जाता रहा, लेकिन अभी तक लीज के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और ना ही अतिक्रमण को रोकने के लिए जमीन पर किसी तरह का सुरक्षा उपाय किया गया है। हमें क्रिकेट जगत में हासिल की गई सुनील गावस्कर की उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन जमीन आवंटन के 3 दशक बाद भी निर्माण कार्य में हुई असाधारण देरी के बाद मैं जमीन पर क्रिकेट अकेडमी के निर्माण को लेकर आश्वस्त करने के महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी कदम का समर्थन करता हूँ। शर्तों के अनुसार सुनील गावस्कर क्रिकेट फाउंडेशन ट्रस्ट को जमीन का आवंटन मिलने के 3 महीनों के अंदर काम शुरू करना था और 3 साल में खत्म करना था। कई बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी ट्रस्ट ऐसा करने में नाकाम रहा। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार सरकार ने जमीन 60 साल की लीज पर दी थी। इस पर ट्रस्ट को गैर लाभकारी आधार पर अकेडमी चलानी थी। इसमें इंडोर क्रिकेट अकेडमी के अलावा हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाने थे। ये भी तय हुआ था कि ट्रस्ट कमर्शियल रूप से जमीन को तभी इस्तेमाल कर सकता है जब ऐसे होने वाले लाभ को 50-50% के आधार पर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साझा करे। तो इस लेटर को देखकर आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल साल 2011 में जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों के बाद महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुनील गावस्कर क्रिकेट फाउंडेशन ट्रस्ट के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है।